हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि ह्यूमन को कितना समय लगेगा अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो को भी एक बार देख लेना। तो आज हम बात करेंगे प्रोक्सिमा सेंटोरी के एक्सोप्लैनेट के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज एंड फैक्ट्स में स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। सन 1679 में एस्ट्रोनॉमर जीन रिचर्ड्स किसी कॉमेट का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इंसिडेंटली उन्होंने अल्फा सेंटोरी को देखा। तो ये जो तारा था वो कोई एक तारा नहीं था, ये दो तारों का समूह था और इसी तरह उन्होंने पता लगाया। तो जीन रिचर्ड्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले अल्फा सेंटोरी को ट्रेस किया था। ये जो तारा है वो एकदम नज़दीक है, इसकी वजह से पृथ्वी से हमें सिर्फ एक ही तारा दिखता है। ये स्टार सिस्टम साउदर्न कॉन्स्टेलेशन में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है। ये दो तारे कॉमन बेरी सेंटर पर परिक्रमा कर रहे हैं। अगर हम सन से तुलना करते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। अल्फा सेंटोरी ए का डायमीटर जो है वो है लगभग 1.7 मिलियन किलोमीटर और मास है लगभग 2.188 × 10⁻³० किलोग्राम। ये जो तारा है वो स्लाइटली बड़ा भी है एंड चमकीला भी है कंपेयर टू सन, लगभग 1.5 टाइम्स ज़्यादा चमकीला है। अल्फा सेंटोरी का वजन 10% ज़्यादा है कंपेयर टू सन एंड उसकी जो रेडियस है वो लगभग 22% लार्जर है सन से। इस तारे का रोटेशनल पीरियड लगभग 22 दिन का है और हमारे सूर्य का रोटेशनल पीरियड 25 दिन का है। अल्फा सेंटोरी बी जो है वो ऑरेंज कलर का स्टार है क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो कम है कंपेयर टू अल्फा सेंटोरी एंड अपने सन से। भार में ये तारा सन से लगभग 10% कम है। अनुमान है कि इस तारे का रोटेशनल पीरियड लगभग 37 दिन से 40 दिन के करीब हो सकता है। और अगर हम प्रोक्सिमा सेंटोरी की बात करें तो वो डायमीटर में हमारे सन से भी छोटा है, बट ये सबसे नज़दीक का तारा है। हमारे सोलर सिस्टम से ये 4.22 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पर है या फिर दूरी पर है। इसके अराउंड प्रोक्सिमा सेंटोरी भी एक्सोप्लैनेट ऑर्बिट करता है। इस प्लैनेट को 2016 में ट्रेस किया गया था फ्रांस रिसर्चर्स के द्वारा। ये जो एक्सोप्लैनेट है वो रफली 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पे ऑर्बिट करता है और इसका जो ऑर्बिटल पीरियड है वो है लगभग 11.2 अर्थ डेज। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ को एक साल लग जाता है सन को ऑर्बिट करने में। ये जो एक्सोप्लैनेट है इसका मास अर्थ के मास से 1.2 टाइम्स ज़्यादा है। अभी हम हैबिटेबिलिटी की बात करते हैं। ये जो प्रोक्सिमा सेंटोरी बी एक्सोप्लैनेट है उस पर स्टेलर विंड प्रेशर जो है वो अर्थ से 2000 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये स्टेलर विंड प्रेशर क्या है? स्टेलर विंड गैस का ऐसा फ्लो है जो स्टार या प्लैनेट के अपर एटमॉस्फेयर से इजेक्ट होता है। इन विंड्स को रेडिएशन प्रेशर ड्राइव करते हैं। तो ये जो रेडिएशन है और स्टेलर विंड है ये किसी भी एटमॉस्फेयर को उड़ा सकती है, बट साइंटिस्ट का ये मानना है कि यहाँ पर अंडर सरफेस लाइफ एग्जिस्ट करती होगी क्योंकि यहाँ पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। अगर वाटर होगा तो लाइफ के बनने के चांसेस ज़्यादा बन जाते और ये प्लैनेट प्रोक्सिमा सेंटोरी के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट भी करता है। बाद में एक और थ्योरी आई कि ये प्लैनेट हैबिटेबल जोन में तो है, ऑर्बिट करता है, पर इसके हैबिटेबिलिटी पर क्वेश्चंस उठ रहे हैं ड्यू टू पोटेंशियली हजार्डस फिजिकल कंडीशंस। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी क्लोज इनफ है होस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी के, तो साइंटिस्ट का मानना है कि ये प्लैनेट टाइडली लॉक्ड भी हो सकता है। टाइडली लॉक्ड का मतलब है कि जो एक साइड होगी प्लैनेट की उसका फेस हमेशा स्टार की तरफ ही रहेगा। जैसे मून टाइडली लॉक्ड है अर्थ से, इसकी वजह से हम मून की एक ही साइड को अर्थ से देख पाते हैं। जो मून की दूसरी साउथ पोल की साइड है उसे एक्सप्लोर करने के लिए इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन किया था। चंद्रयान 2 पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तब मिशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग प्रोक्सिमा सेंटोरी की बात कर रहे थे तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पे लाइफ जो होगी वो सीमित एरिया में होगी, जैसे टू एक्सट्रीम साइड्स में जनरली रेफर्ड एज टर्मिनेटल लाइन पे होने का अनुमान है। तो यहाँ पे एलियंस हो सकते हैं। सिंस यहाँ पर टेम्परेचर सूटेबल है इसकी वजह से यहाँ पर वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है।
तो अगर फ्यूचर में हम इतने एडवांस हो जाए कि वहाँ पर जा सके तो फिर सब बातों का मीनिंग रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बताना, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।